आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। झांसी के थाना प्रेम नगर हंसारी चौकी क्षेत्र के निवासी मास्टर सूरज अहिरबार प्रतिदिन समय के अनुसार अपने निवास पर 10 से 12 बजे तक बच्चों को शिक्षा गृह ट्यूशन पढ़ाते आ रहे हैं। मोहल्ले में व्यवहार बहुत अच्छा और सामान्य है। आस पड़ोस के लड़का लड़की भी सूरज अहिरबार से ट्यूशन पढ़ते हैं। उसी क्लास में मुनमुन नाम की लड़की को भी ट्यूशन पढ़ाया करता था। मुनमुन की आर्थिक हालत काफी खराब थी। मुनमुन के पिता ने एक मकान खरीदा था जिसमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही थी। पैसे की जरूरत न पूरी होते हुए देख मुनमुन के पिता ने अपनी पुत्री के साथ थाना प्रेम नगर में फर्जी शिकायत कर छेड़छाड़ अश्लीलता का आरोप लगा दिया। शिकायती पत्र में सूरज के साथ उसके पिता व भाई के ऊपर भी फर्जी आरोप लगा दिए गए। अखिलेश कुमार पिता गज्जू अपनी ड्यूटी पर कार्य थे, ड्यूटी रजिस्टर पर अंकित है, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे थे। फिर भी पैसे के लालच में शिक्षिका ने फर्जी आरोप लगाकर शिक्षा का रिश्ता भी तार तार कर दिया। सूरज के परिजनों ने DIG से निष्पक्ष मामले की जांच की मांग की है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। उधर पुलिस ने बिना विवेचना किए मुकदमा कायम कर सूरज अहिरबार मास्टर को जेल भेज दिया है। सूरज के पिता और भाई अखिलेश सूरज के घर से काफी दूर रहते हैं, फिर भी इस तरह के आरोप से परिजन भयभीत हैं। इतना बड़ा बदनामी का दाग लगाया जा रहा है, महत्वपूर्ण जांच का विषय है। बेटा क्या मामला हुआ है आपके साथ? हम जब से ट्यूशन जा रहे थे 12 तारीख से, तो सर ने हमारे साथ छेड़खानी की थी। उनका नाम क्या है? सूरज। और इसमें आपने कोई पुलिस या प्रशासन की मदद ली है क्या? हाँ। तो पुलिस ने आपको क्या बोला? पुलिस जब हम गए थे तब पुलिस ने बोला बैठो बैठो, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर तो थाने में कितनी देर तक बैठे रहते आप लोग? हम 12 बजे गए थे और शाम को 7 बजे तक बैठे रहे थे। तो उसके बीच कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस वालों ने, प्रशासन ने आपकी? आपने उसके उस बारे में बात करी थी उनसे? हाँ करी थी, उनने हमारा बयान भी लिया था और हमसे बोला था, तो ये झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आई। बेटा ये मामला हुआ है, उनका नाम क्या है? सूरज सर। फंसाया हम लोगों को, मेरे भाई को फंसाया झूठा। लड़की ने बयान दिए हैं कि हम लोगों ने इसके साथ गलत किया है, मेरे पिताजी ने, मैंने, लेकिन जो मामला इनने 15 तारीख का बताया है था समय है, मैं उस टाइम ड्यूटी पे था हूँ, वो मैं इसको साबित कर सकता हूँ, उसके मेरे कागज हैं। 15 तारीख को मैं था ही नहीं, तो मैंने ये घिनौना काम कैसे किया? और ना मेरे पिताजी ने, पिताजी का भी मतलब वहाँ से लिखित में है, ना हमने किया ना पिताजी ने किया। अब आप साहब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, कैसे फंसा रहे हैं। लेकिन हम आपसे, आपके जरिए और उच्च अधिकारियों के जरिए एक न्याय मांगना चाहते हैं कि हमने गलत किया है तो आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम फांसी दे दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन हमने गलत नहीं किया तो हमारी मदद कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए और निष्पक्ष जाँच कीजिए। हमारे पास सारे कागज हैं, आप जो भी मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। साहब क्या लग रहा है आपको, कोई पुरानी दुश्मनी है? सर हम उनको नहीं जानते साहब, हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं। वो मेरे भाई के पास पढ़ने आती थी, उन्होंने चूंकि मकान लिया है उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने भाई से पैसे मांगे, तो उन्होंने इतना उसको घुमा फिरा दिया है कि पैसे ना होने के कारण। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं भी करता हूँ, हाँ भाई इतने पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि हमें उल्टी इल्जाम में चलती है। अगर वहाँ सफाई चली जाएगी तो गाड़ियाँ सारी टूट जाएंगी। मेरे को 24 घंटे वहाँ पे हवा रहना पड़ता, क्योंकि मैं वहाँ पर उनकी सुपरवाइजर के तौर पर काम करता हूँ और मैं 15-16-17 रोज पूरे ही समय अपने वहाँ पे ड्यूटी पर था, उसके लिए मैं प्रमाण दे सकता हूँ। ये मेरे पास में लिखे हैं, जो कि मेरी लॉट सूट की मेरी कॉपी है।